13 अक्टूबर 2018 को जब भोकर शहर के मुदल गली इलाके में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शिवन क्लास जा रही थी, उसने आरोप लगाया कि गोकुल नगर के योगेश परशुराम वाघमारे ने उसे अपना शिकार बनाया ताकि वह पीड़िता से शादी कर सके। उस समय पीड़िता को आपसे शादी करने की इच्छा दिखाकर इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था और फिर उसे घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़िता ने अपने माँ को यह बीता हुआ माजरा सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद 15 अक्टूबर 2018 को आरोपी योगेश परशुराम वाघमारे के खिलाफ भोकर पुलिस स्टेशन में विशेष बाल यौन शोषण के तहत मामला दर्ज कर दिया था, जो 308/2018 धारा 376(2), F506 भारतीय दंड विधान और 4 पोक्सो कानून के तहत पंजीकृत था। पुलिस उपाधीक्षक पूनम सूर्यवंशी ने जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में कुल 8 गवाहों की जांच की गई थी। गवाहों की गवाही से आरोपी को 7 साल की सजा और ₹7,000 का जुर्माना की सजा न्यायाधीश एस शेख ने सुनाई है। सरकारी पक्ष की ओर से रमेश राजुरकर और मोहम्मद सलीम अलीमुद्दीन, जबकि एस चौहान ने परवी अधिकारी के रूप में अपना काम देखा। आप देख रहे हैं SD24। मैं आपके साथ अहमद कुरैशी।